Guys, do you know gaining lean muscle mass or gaining weight is more difficult than just putting down the weight? और आपका अंडर बॉडी वेट भी एक बड़ा इश्यू बन सकता है आपके हेल्दी रहने में, या आप भी एक लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रहे हो अपने बॉडी में लीन मसल मास गेन करने के लिए, बट यू आर फेलिंग अगेन एंड अगेन। सो गाइस, गेट इन दिस वीडियो इज फॉर यू। और इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे कॉमन रीजंस बताऊंगा जो एक रीजन बन सकते हैं आपको ये प्रॉब्लम होने में। और बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि एंड में मैं ऐसा टिप आपसे शेयर करूंगा जो मैंने यूज किया है मेरे बहुत से क्लाइंट्स पे और जिन्हें मदद मिली है इस टिप से। सो हाई गाइस, दिस इज संजीव कालीवाला, आई एम द फाउंडर ऑफ द नेचुरल लाइफस्टाइल हब, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू द वीडियो। इसमें सबसे पहला रीजन हो सकता है गाइस आपके डाइट को लेके या आपके ट्रेनिंग को लेके। सो थोड़ा बात करते हैं आपके डाइट को लेके। सो ज्यादातर लोग अगर जब वेट गेन करने में या मसल गेन करने का सोचते हैं तो उनका पूरा फोकस कितना खा रहे हैं, कितना इंटेक उसमें रहता है। सो रादर देन दैट, चेंजिंग योर फोकस फ्रॉम हाउ मच यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हेन यू आर ईटिंग विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब आप सिर्फ कैलोरीज पे ना फोकस करके क्वालिटी ऑफ द कैलोरीज विद ऑल रिक्वायर्ड मैक्रोज जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ऐसे क्वालिटी वाले मैक्रोज, इसके साथ साथ गोइंग फॉर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एंड द टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स लॉट गाइस। सो आपका जो पोस्ट वर्कआउट मील होता है वो बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है आपके मसल गेन या आपके रिकवरी में। सो इस पे अगर थोड़ा आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आई विल शेयर द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया आपके पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में, यू कैन चेक आउट। सो फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ कैलोरीज इंस्टेड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज। एंड सेकंड, कमिंग टू योर ट्रेनिंग, सो ज़्यादातर लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि आपको अगर अच्छे मसल गेन करना है तो आपको हैवी से हैवी वेट उठाना है, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आपको एक अच्छा मसल मास गेन करना है तो यू हैव टू टेक द रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट वेट एंड कंसिस्टेंटली कीप द मसल अंडर टेंशन थ्रू आउट द एक्टिविटी। मतलब आपका फोकस ज्यादा वेट उठाने से हटा के आपके माइंड मसल कनेक्शन पे लगाइए और ज्यादातर आपके मसल इन्वॉल्वमेंट ट्राई करिए जिससे कि आपको अच्छी मदद मिले। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही वेट लेके कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम करते रहे, महीने, साल, हफ्ते, इट डजंट वर्क लाइक दैट ऑल्सो। आपको हमेशा वर्क करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग पे, जहाँ पे एक सर्टन रेपिटेशन आप हिट करते ही यू हैव टू प्रोग्रेस द रोल। सो दिस टू थिंग्स इफ यू कीप इन माइंड इन ट्रेनिंग एंड इन योर डाइट पार्ट, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू गेन ए लीन मसल मास। रीजन हो सकता है गाइस आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारी चीजों से हो सकता है गाइस। अगर आपके बॉडी में कोई एक हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाता है तो गाइस डेफिनेटली इट विल बी गोइंग एंड अफेक्टिंग द अदर हार्मोन्स। स्पेसिफिकली अगर आपके रूटीन में ज्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैन बी फ्रॉम एवरीवेयर, इट कैन बी फ्रॉम योर वर्क, इट कैन बी फ्रॉम योर फैमिली, इट कैन बी फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, कहीं से भी अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है, ऑब्वियसली आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल वो अपने पीक पे होता है। और जब जैसे मैंने कहा है कोई एक हार्मोन अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी गोइंग एंड डिस्टर्बिंग द ऑल अदर हार्मोन्स, और जो आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट बता सकते हैं और आपको आपके गोल रीच करने से दूर रख सकते हैं। थर्ड कॉमन रीजन हो सकता है गाइस, नॉट गिविंग प्रॉपर रेस्ट टू रिकवर फ्रॉम द एक्टिविटी। सो एक्चुअल में आपके मसल्स जब आप रेस्ट करते हो जब ग्रो होते हैं गाइस, ना कि आपके जिम में। सो और आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो कभी रेस्ट के लिए टाइम ही नहीं देते और दे विल बी हिटिंग द जिम कंटिन्यूअसली इवन ऑन द वीकेंड्स, तो 7 days करते हैं, और कुछ लोग तो ट्वाइस ए डे भी वर्कआउट करते हैं। सो गाइस अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर आपको अच्छा ग्रोथ देखना है आपके बॉडी में, अगर आपको अच्छे मसल मास डेवलप होते हुए देखना है तो you need to give appropriate rest. And coming to rest, not only post workout rest guys, agar aapke routine mein aap neend bhi bahut kam hai, it can also be a reason for not reaching the goal, kyunki aap jab ek quality neend lete ho it will help to recover from the physical activity, it will help to regulate the hormones jo directly affect karte hai aapke goal ko reach karne mein. So always try to give appropriate rest for the puzzles you worked on, even in middle of the sets
after workout and always try to get a quality sleep to recover from the activity and to achieve the results. So ye the kuch common reasons for not gaining the muscles or weight. सो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा था कि एंडिंग में मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगा जो मैंने यूज़ किया है बहुत सारे दूसरे क्लाइंट्स पे और उनको बहुत मदद मिली है उनका गोल रीच करने में. और वो टिप है गाइस, इनकॉर्पोरेटिंग फास्टिंग इन योर रूटीन. सो एक ऐसा काम करता है गाइस, सो जब आप कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग टर्म के लिए कार्ब्स लोड करते रहते हो, कंटिन्यूअसली एक नॉर्मल डाइट पे एक लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो, योर बॉडी विल बिकम कार्ब्स रेजिस्टेंट. सो उसके बाद आपकी बॉडी जो उस डाइट को रिएक्ट करना बंद कर देती है, आपके रिजल्ट्स जो है स्लो हो जाते हैं और मे बी यू विल हिट द प्लैट्यू. तो हाउ कैन यू ब्रेक दिस प्लैट्यू गाइस? इसको आप ब्रेक कर सकते हो फास्टिंग इंक्लूड करके आपके रूटीन में और बाय फॉलोइंग ए कीटोजेनिक डाइट फॉर ए शॉर्ट टर्म. सो फर्स्ट ट्राई फॉर फास्टिंग. फास्टिंग कैसा यूज कर सकते हो गाइस? फास्टिंग को आप 5:5 days आप नॉर्मल डाइट या तो कैलोरी सरप्लस पे जा सकते हो और 2 days a week consistently you can go for fasting or you can practice intermittent fasting. Coming to ketogenic diet, you can practice this diet for 8-10 days. जो हेल्प करता है आपके कार्ब्स रेजिस्टेंट को ब्रेक करने में और आपके बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाने में और इट विल ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट द ग्रोथ हार्मोन इन योर बॉडी. सो जब ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस इंक्लूड करते हो अपने रूटीन में, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू रीसेट योर बॉडी एंड यू विल बी सीइंग द रिजल्ट. सो गाइस, दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू बूस्ट योर मसल गेन और मास गेन एंड टू लिव हेल्दी एंड फिटर फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए for more informative videos like this in future. So guys, this is Sanjeev Kaliwala signing off. See you in the next video. Till that time, stay healthy, stay fit, stay natural. Bye.